दिस इज दी एग्जाम्पल ऑफ दी मनोवा मनोवा को हम न्यूमेरिकली चेक करते हैं कि हमने इसको कैसे फाइंड करना है ना फर्स्ट आपके पास है इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करना कि या Manova की या मनोवा की एग्जाम्पल है कैसे हम फर्स्ट इसको अंडरस्टैंड करते हैं वी हे टेन चिल्ड्रन मैच बाई जेंडर एज एंड अनिशियल लेवल ऑफ अबिलिटी टेन स्टूडेंट्स हैं हर ग्रुप में देखो आपके पास टेन स्टूडेंट्स हैं हमने उसको

से टीच किया अब डिफरेंट मेथड टीच किया है सपोज कि आपने फर्स्ट को क्या किया सारों को ऑनलाइन टीचिंग दी सपोज है एग्जाम्पल को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं सेकेंड को हमने सारों को ऑन कैंपस टीचिंग की थर्ड को हमने कह दिया कि आप लोग असाइनमेंट बेस पे रहो फोर्थ को हमने कह दिया कि प्रेजेंटेशन बेस दे दो तो। ठीक है इस तरह हमने फोर्थ ग्रुप को डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग रखी है आफ्टर इंस्ट्रक्शनल पीरियड टेस्ट वॉज गिवन टू ईच ग्रुप ठीक है उसके बाद उन्होंने टेस्ट दिया द रिजल्ट ऑन रीडिंग एक्स वन एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक्स टू ऑफ फोर ग्रुप्स आर शोन बिलो अब हमारे पास फर्स्ट ग्रुप रीडिंग एक्स वन एंड कॉम्प्रीहेंशन एक्स टू इसकी बेस पे रिजल्ट जनरेट हुए हैं रिजल्ट किस पे आए रिजल्ट हमने लिए रीडिंग एक्स वन एंड कॉम्प्रीहेंशन एक्स टू पे ऑफ फोर ग्रुप्स तो का इज द रीडिंग एंड दिस इज द कॉम्प्रीहशन करना क्या है हमने टू टेस्ट एट टेन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट दैट फोर मेथड्स आर इक्वल जो फोर मेथड टीचिंग मेथड से क्या वो इक्वल थे या इक्वली उन्हें ट्रीट किया इक्वली उनके रिजल्ट आ रहे हैं ग्रेड्स आ रहे हैं इसको हम टेस्ट करते हैं नाउ यू नो दैट फर्स्ट टू कंप्यूट दी

टेन परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू बी चूजन अब ये आपके पास है टेस्ट स्टेटिस्टिक्स पीछे अगर आपको याद होगा हमने एक टेबल किया था उस टेबल में हमने देखा था जी क्या होगा पी क्या होगा उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स डिफाइन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन कर दिया दिस इज दिल्क स्लैमडा द स्टेटिस्टिक्स एफ बिकॉज द रेशियो ऑफ टू विट डिस्ट्रीब्यूशन पी विथ दीस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड द स्टेप फोर इज दैलकुलेशन अब फर्स्ट हमने देख रहे हैं ये कैलकुलेशन हो ही कैसे हम अब नोटेशंस में भी हम देख रहे हैं फोर ग्रुप्स है ना वन टू थ्री फोर बेसिकली फोर ग्रुप्स हैं और हमने उसका टोटल लिया फर्स्ट हमारे पास है सम ऑफ एक्स वन जे वन जे आपके पास कहाँ पर आ रही है फर्स्ट हमने सम कितने लिए है टेन वैल्यूज का तो टेन वैल्यूज का सम मीन्स यहाँ पे ये यह जो सम है इसको हमने कह दिया एक्स वन जे क्योंकि जे वेरी वन टू टेन है टेन वैल्यूज आपके पास आएंगे नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा एक्स टू जे टेन वैल्यूज का एक्स टू जे अभी मैं ग्रुप वन की बात कर रही हूं सिर्फ ग्रुप वन की इस पे हम हैं देन एक्स वन स्क्र जे एक्स वन जे स्क्र कह लो कौन सी है टेन वैल्यूज आपके पास जो वैल्यूज आई हैं उनका स्क्यर सेवन स्क्र प्लस थर्टी सेवन स्क्र प्लस फोर्टी फोर स्क्र अप टू सू ऑन प्लस फोर्टी फाइव स्क्वेयर यानी इसका स्क्यर ये वैल्यूज आ गई देन एक्स टू जे स्क्वेयर टेन वैल्यूज है ना हमारे पास एक्स टू जे स्क्वेयर सेकेंड आपके पास जो फर्स्ट ग्रुप की सेकेंड ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वेयर देन उनकी मल्टीप्लीकेशन दीज आर द मल्टीप्लीकेशन टेन वैल्यूज यहाँ पे और टेन आपके पास इधर है उनकी मल्टीप्लीकेशन सिमिलरली ग्रुप टू ग्रुप टू के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो करना है ग्रुप थ्री के लिए भी ग्रुप फोर के लिए भी अब आपके पास ग्रुप वन आ गया है इस ग्रुप का ओवरऑल सम अब ये जो फोर वैल्यूज आई हैं इनका सम विच इसवल टू दिस अब ये सम पे क्योंकि आपको पता है डबल सम की नोटेशन आ रही है फर्स्ट सम कितना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन दी पॉपुलेशन और सेकंड कैसे है आपके पास नंबर ऑफ ग्रुप्स तो सेकंड सम आपके पास यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने ग्रुप्स थे फोर ग्रुप्स थे तो आपके पास डबल सम आ गया इसका सम ही आ गया सिमिलरली हमने इनके सम फाइंड कर लिए ये आपकी कैलकुलेशन हो गई अब हम इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं नाउ वी कैलकुलेटेड दी मेट्रिस डब्ल्यू एंड टी अब हमें विदिन भी निकालना है टोटल भी निकालना है एंट्री मेट्रिक सेम हमने क्या किया टी वन वन एल के विच इज इक्वल टू वन टू पी टी वन वन हम टोटल टी का सब एक एलिमेंट निकाल रहे हैं टी वन वन देखो अगेन आपके पास डबल सम आ रहा है डबल सम एक्स वन आई जे स्क्र माइनस एक्स आई एक्स पार वन स्क्र अब वन जैसे हमने इसके लिए टी वन वन किया है तो क्या मैंने अभी इसको प्रीवियस भी किया था यहां पे टी वन फॉर एल आई जे एज इट इज के वन आई जे एज इट इज माइनस एन एक्स पार वन एक्स पार वन तो ये सेम वैल्यूज है ना तो स्वेयर हो जाएगा एक्स वन स्क्यर हो गया सेम ये भी आपके पास है ये भी स्क्वायर होगा एक्स वन स्वेयर की वैल्यू आ गई अब ये डबल सम एक्स वन आई जे स्क्र जिसमें आई भी है और जे भी है ये सम कहाँ पे है ये सम आपके पास किधर आ गया दिस इज क्योंकि स्क्वायर फॉर्म में है ना ये सम एक यहां पे और दूसरा सम हमने यहां पे किया तो डबल सम पे हमारे पास वैल्यूज आ गई थ्री थ्री वन सेवन वन डबल सम की वैल्यू थ्री थ्री वन सेवन वन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है टोटल हर ग्रुप में टेन टेन वैल्यूज है तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास फोर्टी है एक्स वन बार X1 एक्स वन मीन को आप ओपन करो सम सम ऑफ ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल तो आपके पास सम कितना है सम विच इज इक्वल टू वन जीरो सिक्स फाइव होल स्क्र आफ्टर टी वन वन विच इज इक्वल टू फोर एट वन फाइव पॉइंट दिस सिमिलरली टी वन टू टी वन को आपने करना है दिस इज फॉर अब के मल्टीप्लीकेशन कहाँ है one, two. T12. T12 आपके पास कहां आ रही है? First group में देखें. माइनस फोर्टी और ये वैल्यूज आपके पास उसको सॉल्व करने के बाद आ गई हैं. एक्स वन एक्स टू इन्हें सॉल्व करने के बाद टी वन टू सिमिलरली टी टू टू टी टू भी आपके पास को पता है डबल सम में है आपके पास सारी वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को पुट किया आपके पास टोटल टी वैक्टर टू टी वन वन टी वन टू टी टू टू मॉडल टू दिस वन अब ये सारी वैल्यूज हमने प्रीवियस फाइंड की हैं, वही आपने सारी वैल्यूज इसमें एंटर कर दी हैं, वो हमने एंटर कर करके हमारे पास टी वेक्टर की वैल्यू आ गई है सो दिस इज दी डब्ल्यू वैक्टर सो so, W विच इज इक्वल्स टू फोर डायमेंशन है हमारे पास फोर डायमेंशन वन टू थ्री फोर मैथमेटिकली हमने इसको चेक किया है अब हम इसको नुमरिकली चेक कर रहे हैं कि ये वेरियंसिस कैसे हमने फाइंड करने हैं विद इन सम ऑफ स्केर के लिए तो द एंट्रीज एस एक्स एक्स जी एक्स आई जे जी अब ये कैसे हम इसको फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास ये जर्नल फार्मूला है इस जर्नल फार्मूले को हमने अब स्प्लेट कर दिया एस वन 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 में यानी आई वन K1 और ग्रुप वन फर्स्ट ग्रुप के लिए अभी तक आपने जो टोटल निकाला है वो फर्स्ट और सेकेंड सर थर्ड फोर्थ सबके साथ हमने उसके किया टोटल को चेक किया अब यहाँ पे हमने करना है वेरियंस निकालना है फर्स्ट ग्रुप का अब यहाँ पे देखो सिंगल सम है सिंगल सम हमारे पास है फर्स्ट क्या हो गया आई जे अगर वन वन रखें, तो आपके पास वन वन जे स्क्वेयर क्योंकि दोनों सेम है वन वन जे तो एक्स वन वन जे स्क्वेयर हो गया सिमिलरली यहाँ पे एक्स वन एक्स जी वन जी एज इट इज सम ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू वन वन एंटर कर लेंगे अब ये वैल्यू कहां से आ रही है फर्स्ट ग्रुप देखना है एक्स वन वन जे स्क्वेयर एक्स वन वन जे स्क्र यानी फर्स्ट आपके पास है वन वन जे स्क्वेयर ये आ रहा है ना आपके पास दिस इज दी वैल्यू अब ग्रुप वाइज हमने चेक करना है तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास क्या आ गई वन टू एट सेवन फोर तो क्या आ गई आपके पास वन टू एट सेवन फोर तो उसी ग्रुप के हमने देखना है सम एक्स वन वन जे उसका टोटल देना है हमने टेंथ वैल्यू का फर्स्ट ग्रुप के लिए तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास है वन वन जे यहां पर आपके पास है थ्री फोर्टी यहां पर आपके पास है थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी स्क् डिवाइडेड बाय टेन तो फर्स्ट एस वन वन की वैल्यू आ गई वन थ्री वन फोर फर्स्ट ग्रुप का वेरिएंस सिमिलरली एस वन टू फर्स्ट ग्रुप के लिए वन टू आपके पास है ये आपके पास नोटेशंस आ गए इन नोटेशंस के लिए अब हम फाइंड कर रहे हैं वन टू के लिए वन टू मीन्स दिस वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री फोर्टी इंटू वन फिफ्टी सेवन देखो यही आपके पास वो वैल्यू आ गया मल्टीप्लाई हो गया थ्री फोर्टी इंटू वन फिफ्टी सेवन सिमिलरली एस टू टू अब आपके पास एस टू टू की वैल्यू भी आ गई तो आपको ये आइडिया है कि हमारे पास एस वन टू या एस टू वन सेम वैल्यूज होती हैं अब जस्ट हमने इसको पुट इन कर लिया तो एस एक्स एक्स वन फर्स्ट ग्रुप की हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं अब सिमिलरली आगे मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की अब मैं कह रही हूँ सिमिलरली आपने एस टू टू यानी एस एक्स एक्स टू सेकेंड ग्रुप के लिए फर्स्ट ग्रुप की तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके शो करा दी है फॉर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वो आपने खुद फाइंड करने सेम इसी मेथड से सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आप खुद फाइंड करोगे तो आपके पास एस एक्स एक्स सेकेंड की भी आ जाएगी थर्ड ग्रुप का भी आएगा फोर्थ का भी आएगा इन सब का जब हम सम अप करते हैं देन हमारे पास विद इन सम ऑफ स्केयर वेक्टर ये वैल्यूज आ जाएंगी विद इन सम ऑफ स्केयर हमने फाइंड कर लिया अब विद इन सम ऑफ स्केयर डब्ल्यू कैसे आ रहा है आपके पास वन थ्री वन फोर प्लस सिक्स एटी सेवन प्लस सेवन सेवेंटी सिक्स पॉइंट फोर प्लस वन वन टू फोर पॉइंट नाइन ये हमें एडअप कर लिया क्योंकि इन सबको आप एडअप कर रहे हो ना देन आपके पास डब्ल्यू रहा है इन्हें ऐड करने के बाद हमारे पास डब्ल्यू आ गया सो वेल्सलैमडा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स डब्ल्यू वैक्टर डब्ल्यू हमारे पास ये मेट्रिस आ गई इसका मॉडलेस देन टोटल का मॉडलेस तो इसका आपने मॉडलेस फाइंड करना है फर्स्ट जब हमारे इसको मॉडलेज फाइंड करने के बाद कैलकुलेशन के बाद हमारे पास आंसर आ रहा ठीक है मॉडलाइज फाइंड करेंगे तो हमारे पास स्केलर वैल्यू आएगी एक वैल्यू आएगी ना वो हमारे पास ये आ रही है टोटल का हमने मॉडलाइज टोटल हमारे पास प्रीवियस था उसका मॉडलाइज लिया तो विल्क्स लेमडा की वैल्यू आ गई है जीरो पॉइंट फोर फाइव एट फाइव ना पोट दी टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टेस्ट स्टेटिस्टिक्स में हमने उसको लिया जी एफ एफ हमारे पास अब क्या है सारा मिला के आपके पास एफ आ रहा है ना कि विल्क्स लेमडा आ गया एफ एन माइनस टी माइनस वन एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यू इसकी थी फोर्टी टोटल ग्रुप फोर माइनस वन जी हमारे पास फोर माइनस वन वन माइनस लेमडा स्कोर रूट लेमडा की वैल्यू एंटर की है स्क्र रूट लिया आफ्टर एफ कैलकुलेटेड एफ हमारे पास आ गया फाइव पॉइंट फाइव सिक्स थ्री अब ये अनोवा है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स थ्री अब इस अनोवा मनोवा टेबल में और प्रीवियस जो हमने कैलकुलेशन की है उसमें क्या डिफरेंस है ये सारा अभी जो हमने कैलकुलेट किया ये सारा रॉ डेटा को यूज करके सॉल्व किया ठीक है ये सारा रॉ डेटा को यूज करके हमने सॉल्व किया और ये आपके पास मनोवा की जो सेमरी है यहाँ पे क्या है ये आपको पास सम ऑफ स्कीयर्स के साथ आ रहा है टोटल कितने आपके पास ट्रीटमेंट थी मीन ग्रुप्स कितने थे फोर फोर माइनस वन थ्री एर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी फोर्टी फोर्टी माइनस वन टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम थर्टी नाइन माइनस थ्री थर्टी सिक्स और ये वैल्यूज कहाँ से आए ये सारी वैल्यूज मेट्रिस फॉर्म के साथ सॉल्व हुई हैं तो जिसको हम कह रहे हैं एंड प्रोडक्ट उसके साथ जब हमने एफ निकाला है तो अभी वो फाइव पॉइंट और हमारा यहाँ पे भी कैलकुलेटेड जो हमने सारी कैलकुलेशन के साथ की है विदाउट मेट्रिस मेथड तो हमारे पास वैल्यूज आ रही है फाइव पॉइंट फाइव सिक्स थ्री दोनों में से सेम आंसर आ रहे हैं नाउ द फिफ्थ स्टेप इज द क्रिटिकल रीजन क्रिटिकल रीजन हमने लिया यहां देखो एल्फा जीरो पॉइंट जीरो फाइव बेसिकली ये क्या है अल्फा बाय टू टू साइड ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव सिक्स एंड सेवेंटी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास सिक्स एंड सेवेंटी ये हमारे पास सिक्स एंड दैवेंटी अब सेवेंटी पे तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी वो आप इंटरपोलेट करोगे तो इंटरपोलेशन के साथ आपके पास सिक्स और सेवेंटी की आ जाएगी मैंने यहाँ पे इंटरपोलेशन का मेथड नहीं बताया बट वो मेथड मैं पहले बता चुकी हूँ कि इंटरपोलेट कैसे करेंगे इंटरपोलेशन के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है टू पॉइंट टू थ्री नाउ द कैलकुलेटेड एफ विच इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव सिक्स थ्री विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू द कंक्लूजन इज द कैलकुलेटेड वैल्यू एफ फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी विल रिजेक्ट इज नॉट इट मे कंक्लूड दैट द फोर मेथर्स डू नॉट हैव इक्वल मीन वेक्टर्स अब वो जो फोर मेथड्स मैंने आपको ऐसी एग्जाम्पल को समझाने के लिए किया था फोर मेथड क्या था टीचिंग है आपके पास ऑनलाइन ऑन कैंपस असाइनमेंट बेस्ड और हमारी प्रेजेंटेशन बेस्ड वो फोर मेथड जो हमने अप्लाई किए हैं स्टूडेंट्स पे ऑल आर नॉट इक्वल यानी उनके जो है फोर मेथड्स डू नॉट हैव इक्वल मीन वैक्टर्स उनके इक्वल मीन वैक्टर्स नहीं है यानी जो हम कह रहे थे ऑल मीन्स आर इक्वल नहीं है उनके मीन्स डिफरेंट आएंगे दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ़ द मनोवा और ये मनोवा कब यूज़ करना है जब हमारे पास रॉ डेटा आता है मेट्रोसेस फॉर्म के साथ भी हमने इसको चेक किया मेट्रोसेस के साथ और मैथमेटिकली जो फॉर्मूलेस हैं उनके साथ निकालने से कोई डिफरेंस नहीं आता बस ये है कि मेट्रोसिस थोड़ा सा ना ईजी काम हो जाता है उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मनोवा